जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। साथियों, आज फिर से एक बार हमारे हाथ सक्सेस लगी है और अभी एमपी पुलिस के दो हमारे जो ये दोनों भाई फिजिकल क्लियर करके आए हैं, इनका नाम है विजय धनगर जी और ये हैं राहुल पाटीदार। तो ये दोनों एमपी पुलिस का फिजिकल पास करके आए हैं और ये तो भाई हमारा मतलब एक स्पेशल केस था जिसकी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की थी, उसके तहत इनका फिजिकल निकला है। क्योंकि इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि दोनों पैर इनके क्रैक थे, हेयर क्रैक थे दोनों पैरों में। डॉक्टर ने इनको मना किया था कि आपको रनिंग नहीं करना है, अभी आपको फुली बेड रेस्ट करना है। तो एक बेहतरीन प्लानिंग की गई, उसके तहत इनको तैयार किया गया और आज सक्सेस हमारे हाथ लगी और ये दो फिजिकल क्लियर किए इन्होंने। अभी कुछ दिन पहले SSC GD का भी किया था और अभी इन्होंने MP पुलिस का भी किया है। ऐसे ही हमारे राहुल भाई, राहुल पाटीदार, ये मेरे अच्छे मित्र भी हैं और दो ढाई महीने से हम प्रैक्टिस कर रहे थे, लगभग दो महीने से हो गए, लगभग हो गए हमको। और आज हमारे दो महीने बाद हमारे हाथ सक्सेस लगी है और ये पढ़ने वाले लोग हैं, फिजिकली बहुत नॉर्मली थे, तो अच्छे से प्लानिंग के तहत वर्कआउट किया और आज सक्सेस हमारे हाथ में। तो राहुल भाई कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे कि किस प्रकार से वहाँ पर फिजिकल हुआ, यहाँ पर टाइमिंग अपनी दो पैंतीस, पहले मेरी टाइमिंग स्टार्टिंग 2:45 हुई थी लेकिन कंटिन्यू मेरा प्रैक्टिस रही, असल ने मुझे अच्छी तरह से गाइडलाइन किया और लगभग लगभग आज मेरी टाइमिंग आई 2:31 टाइमिंग आई है। यहाँ पर लास्ट टाइम में 2:35 2:36 आई थी मेरी, चार सेकंड कम हो गए मेरे लोगों के, जो लड़के क्या बोलते हैं 2:47 2:47 इनकी टाइमिंग आ रही है, मतलब टाइमिंग वो भी कम कर सकते हैं वहाँ पर अगर सही से दौड़ लॉन्ग जंप मेरी कम से 14 फीट के आसपास आई है, 14 मेरा 20 ऊपर आया है। हाँ सही है, क्वालीफाई सर की मेहनत है, बस हम लोग यहाँ पर क्या है कि अच्छी और स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करते हैं, किस लेवल की बॉडी उस प्लानिंग से फिर वर्कआउट करते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी करा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर सही से प्लानिंग करोगे तो सक्सेस हाथ लगेगी यार, और ऐसे ही करते रहोगे मेहनत तो कोई मतलब नहीं है सर। हम विजय से बात करेंगे, विजय भाई आपको एक्सपीरियंस कैसे रहा, आपको बड़ा एक्सपीरियंस यार। सर मेरी एमपी पुलिस फिजिकल में 2:40 टाइमिंग आई और यहाँ पर मैं लास्ट टाइमिंग 2:44 मार के गया था, मतलब 5 सेकंड कम हुए। हाँ 5 सेकंड कम हुए। ग्राउंड बहुत अच्छा है और स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव होता है, इंदौर PTC में था, स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव होता है और मोटिवेट करते हैं वहाँ पर लोग, स्टाफ बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है और ट्रैक भी बहुत शानदार है। हाँ बहुत अच्छा है और मेहनत सर ने हमारे साथ बहुत की है। मेरी एक सिचुएशन ऐसी थी कि मैं मुझे चलते नहीं बनता था और सर आगे खड़े होते थे कि चल मैं भी दौड़ रहा हूँ तुम भी दौड़ो। साइकिलिंग, स्विमिंग और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो सर ने प्लानिंग की थी जिसके तहत मेरा फिजिकल पास हुआ, और SSC GD में भी यही प्लानिंग थी और MP पुलिस में भी यही प्लानिंग थी। देखो यार, यहाँ पर के आते हैं तो एक उम्मीद लेके आते हैं, तो यार एक सपना लेके आते हैं, हमारी फुल एफर्ट रहता है, हमारी पूरी कोशिश रहती है, तो उनके सपने जो लेके आए हैं सारा करने का उनका साथ दें और उनको पूरा करने के लिए उनके तरीके से मेहनत कराएँ अच्छे से, जिससे वो क्वालिफाई हो जाएँ जो अपने माँ बाप के और अपने सपने पूरे कर सकें। तो यार जब आप वर्कआउट बहुत सारी जगह चल रहे हैं, सब अच्छा कराते हैं, लेकिन क्या हम लोग एक अच्छे से प्लानिंग करते हैं हर चीज़ की, पहले लड़के को एक ऑब्जर्व करते हैं किस तक लेवल का है भाई, किस तरीके से उसको वर्कआउट करना चाहिए। ये नहीं कि इनको जो कराया जा रहा है वो इनको ही कराया जाए, ज़रूरी नहीं है ऐसा भाई, इनका लेवल अलग है इनका लेवल अलग है, दोनों अलग अलग तरीके से वर्कआउट कराया जाएगा। और वर्क कराना हर किसी के बस की बात नहीं होती, वर्क कराने के लिए काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, एक्सपीरियंस होना चाहिए और फिर वर्क करना क्रिया हो पहले, तो बहुत सारी चीज़ें हैं तब जाके आप एक अच्छा वर्क करा सकते हो। सारे लड़कों की अलग अलग प्लानिंग थी, जितने भी कांस्टेबल के लड़के सर के पास तैयारी कर रहे थे हर किसी का अलग वर्कआउट होता था, हर किसी की अलग प्लानिंग होती थी किसे कहाँ क्या करना है, ये सर की प्लानिंग के तहत हर बच्चों का अलग अलग वर्कआउट होता था हर दिन। सर भाई दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन और जल्दी से वर्दी में आओ, अगला भी वीडियो वर्दी में शूट करेंगे। और सभी भाई जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मध्य प्रदेश पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं अपना हौसला रखिए, और अगर टाइमिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आ रही है तो वहाँ पर जाके 2-4-5 सेकंड कम हो जाते हैं, 5-6 सेकंड 7 सेकंड, तो वहाँ लेकिन आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। स्टाफ बहुत अच्छा है, गाने भी बज रहे हैं वहाँ पर, बहुत सपोर्ट मिलता है वहाँ पर, ठीक है भाई। जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो, गाड़ी पर हमेशा हेलमेट लगा के चलना और ध्यान रखें अपना और अच्छे से प्रैक्टिस करो। जय हिंद।